बुआई के समय अच्छी बारिश होने के बाद जमाने की आस लगाए बैठे बाप क्षेत्र के किसानों को इस साल भी निराशा ही हाथ लगेगी। बुआई के बाद वापिस समय पर बारिश नहीं हुई, जिससे क्षेत्र में खरीफ की फसलें झुलस गई। बाद में झोला यानी गर्म हवा लगने से गंवार की फसलें भी चौपट हो गई। शुक्रवार को बड़ी संख्या में तहसीलदार कार्यालय आए किसानों ने खरीफ फसल में हुए खराबे का आकलन करने तथा बाप पंचायत समिति क्षेत्र में सूखा घोषित करने की मांग की है। गौरव सैनिक हजारीराम पूनिया ने बताया कि इस साल शुरुआत में अच्छी बारिश हुई थी, किसानों ने सब कुछ दांव पर लगाकर बुआई भी की, मगर उसके बाद लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई। समय पर बारिश नहीं होने से बाजरा की फसल सूख गई। ठेकेदार मोहन राम साह ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि बड़ी चालाकी से बिना किसानों के खेतों में गए चुपचाप रिपोर्ट भेज देते हैं। नुकसान होने के बावजूद बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने की नीयत से कम खराबा दिखाकर रिपोर्ट भिजवा दी जाती है। ज्ञापन में किसानों की मौजूदगी में क्रॉप कटिंग की सैंपल लेने, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक एवं बीमा कंपनी द्वारा बनाई गई खराबा रिपोर्ट किसानों के साथ साझा करने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय ठेकेदार मोहन राम सारण, हीराराम ढाका, संजय गोदारा कानासर, जोराराम जानी, सुखराम जानी, भिखाराम गोदारा, चौधरी बाबूराम सारण, चौधरी भवरूराम डारा सहित कई किसान मौजूद रहे। बाप निवासी पटवारी भोमराज पालीवाल को भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिल गई है। राजस्व मंडल ने गुरुवार को ही ये आदेश जारी किया है। पालीवाल के भू अभिलेख निरीक्षक बनने पर कस्बे सहित क्षेत्र में खुशी की लहर है। करीब 13 सालों से पटवारी पद पर सेवा दे रहे पालीवाल ने इस दौरान चांदन, बाप तहसील में राणेरी, बुंगड़ी व घटोर में सेवाएं दी। वर्तमान में पालीवाल पटवारी पद पर घटोर हल्का में कार्यरत है। RI बनने पर घटोर सरपंच यारू खां, मेहरदीन, बालम खां, मीरे खां, प्रेम सिंह, रूप सिंह, हुकम सिंह सहित ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए पालीवाल को शुभकामनाएं दी है। भारत विकास परिषद पोखरण द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता की मौखिक प्रश्नोत्तरी का आयोजन माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर पोखरण में किया गया। प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग 6 दल व वरिष्ठ वर्ग 5 दल ने भाग लिया। दोनों दलों के प्रथम रही दल प्रांतीय स्तर पर प्रतियोगिता दिनांक 8 अक्टूबर को जोधपुर में होगी। भारत विकास परिषद सचिव कुंभ सिंह चंपावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कारों व आस्थाओं तथा भारत की गौरव गाथा के प्रति सम्मान प्रेम भाव का जागृत कर उनके बौद्धिक विकास में सहायक बनने का प्रयास होगा। प्रतियोगिता का सफल संचालन मौखिक प्रश्नोत्तरी मुकेश हर्ष, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी ने करवाया। कोषाध्यक्ष अचलदान रतनु, जगनलाल पालीवाल, देवसिंह भाटी ने भी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में सहयोग किया। बाप कस्बा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को किशोरी मेले का आयोजन किया गया। मेले में 300 छात्राओं ने भाग लिया। मेले में रंगोली, मेहंदी, निबंध, चार्ट, मॉडल गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं ससामयिक परिप्रेक्ष्य में कैरियर की तैयारी, बाल अधिकार एवं सुरक्षा के बारे में छात्राओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। ब्लॉक बाप राजीव गांधी युवा टीकमचंद भाट ने अपनी आवंटित ग्राम पंचायत नूरे की भुज में शुक्रवार को घर घर पहुंचकर परिवार संवाद किया तथा मिशन 2030 प्रगति की गति 10 गुना के टेम्पलेट बांटे तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी फ्लेक्सिबल योजनाओं की जानकारी दी।